हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बजने वाले हैं 6:45 अराउंड हुए हैं और मुझे बनाना है या लकीली ब्रेकफास्ट में चीज जला रहा हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हिया के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है क्योंकि अभी वो उठेगी और वो फ्रेश होने के लिए गई है। तो जब तक वो फ्रेश होकर आती है तब तक मैं टेबल पर चाय ठंडी करके, मतलब कि वो इतने ज़्यादा तो गर्म नहीं पी पाते हैं ना बच्चे, तो जैसी वो पी सके वैसी चाय और नाश्ता दोनों रेडी करके सीधा रख देती हूँ ताकि सुबह कुछ ज़रा सा भी एक मिनट भी टाइम वेस्ट ना हो। और साथ ही साथ पानी भी लगा दिया है मैंने, तो नाश्ता करके सीधा नहाने जाना जा सकते हैं। वैसे नहीं नहाते हैं नाश्ते के बाद नहाने, पर स्कूल के टाइम में तो क्या कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताती हूँ जिसे आप बच्चे को नाश्ते में सब्जी रोटी भी खिला देंगे और उन्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, क्या है यार ये सब्जी रोटी। तो यहाँ पर ले ली है मैंने मटर और आलू और इसकी सिंपल सी सब्जी हमें चोक दे देनी है। जैसे कि हम ड्राई वाली सब्जी बनाते हैं ना, वैसी ही सब्जी बनानी है, सिंपल से मज़ा ले, पर पानी बहुत ही कम डालना है हमें इसमें, क्योंकि हमें ना इसका सूखी भाजी जैसा बनाना है। और ये ना आप रोटी पराठा किसी पे भी ट्राई कर सकते हो और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कितना हेल्दी खाना खाया है। तो यहाँ पर बन गई है, मैंने रात को ही मटर छील लिए थे और बस अभी मैं थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और ये रेडी हो चुकी है। अभी हमें 3-4 विसल आने देनी है और फिर ही हम देखेंगे। बिल्कुल भी अगर थोड़ी सी भी जल जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहाँ पर मैंने ले ली है रोटी और इस पर हम ना ये सब्जी जो हमने बनाई ना उसको ऐसे रोल बनाना है ना, इसलिए बीच में ही सिर्फ डालेंगे ये सब सब्जी। आप चाहे तो पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और पोटैटो की ड्राई वाली सूखी भाजी भी ऐड कर सकते हैं। और इस पर हम लोग केचप अगर चाहे तो नीचे, हिया को ऐसे ऊपर पसंद है, अगर रोटी में चाहे तो भी लगा सकते हैं और चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर हमें खपाक के डालना है चीज़। तो बच्चों को ना कोई भी चीज़ में केचप या चीज़ डाल के दो ना तो वह खुशी खुशी खा लेंगे। और इसका ना रोल बना देना है तो उसको ना एक तरीका भी अलग हो जाएगा खाने का। तो बच्चों को ना कोई भी चीज़ पुरानी ना नए तरीके से भी दी जाए ना तो भी वो खा लेंगे। तो इस तरह से उसके पेट में रोटी सब्जी हेल्दी चीज़ भी जाएगी और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमने कुछ उन्हें नया बना के दिया है। और रोज़ रोज़ लंच बॉक्स की ये जो होती है ना कि क्या बनाए यार रोज़ सुबह थेपला पराठा, तो वो लोग रोज़ तो नहीं ले जाते, एक दिन फिगर चिप्स एक दिन कुछ और, तो ऐसा एक ऑप्शन भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने दूसरी भी बना दी है साथ में, तो ये दोनों वो लेकर जाएगी। हिया को तो ये बहुत ही पसंद है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंकी का टेस्ट आ गया जाएगा और ज़्यादा वेजिटेबल्स की भी सुबह सुबह मगजमारी नहीं होगी। मटर है, आते हैं अभी विंटर है तो मटर इजीली मिल जाते हैं। और रात को भी अगर आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई है तो वो भी ऐसे रोल करके आप इसे दे सकते हैं। और साथ में हिया को ना ऊपर कुछ चाहिए तो वो कभी कभी नमकीन ले जाती है, कभी ऐसा स्वीट वाला चिक्की केक वगैरह। तो कल हमने जो कप केक बनाया था ना तो वही वो साथ में ले जा रही है। तो ये हो गया हमारा रेडी, सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में होने वाला नाश्ता। और यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही हूँ। सुबह सुबह क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें मैंने उसको करने की आदत डाली है, पर कभी क्या होता है कि टेस्ट वगैरह होते हैं तो हम लोग रिवीजन करते हैं, तो फटाफट रिवीजन करने में क्या थोड़ा टाइम चला जाता है। तो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ ताकि 5 मिनट्स हम लोग ज़्यादा रिवीजन कर सके और फिर हम लोग फटाफट से कर देंगे ना, वो खुद से करेंगे ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम हेल्प कर देते हैं ना तो हो जाता है। वरना ये फ्रॉक सॉक्स वगैरह वो पहन लेती है, स्वेटर वगैरह, पर इसलिए मैं कभी कभी हेल्प करवा देती हूँ। टेस्ट वगैरह फंक्शन वगैरह जब होते हैं ना, स्पीच होती है, तब हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं सुबह सुबह। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। और मेरे एक वीडियोज़ में बहुत सारे व्यूज़ हुए, 8 लाख अराउंड शॉर्ट्स था जो मैंने आपको बोला था वही शॉर्ट्स, और अभी भी बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बस हमें प्यार देते रहिए, हम लोग आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। ओके, बाय बाय।